आत्मा का स्वरूप बतला रहे हैं कि यह से अन्य होने से मैं नहीं है और जरा नहीं है और कृशता नहीं है और मृत्यु नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ किसके देह के और देह से मैं अन्य ये बतला दिया है। और इंद्रिया के साथ मेरा अहमता नहीं है, तो निरिंद्रिय होने के कारण से जो भी विषयों के साथ में इंद्रियों का संयोग है तो वो मुझ आत्मा का संयोग वियोग नहीं है, क्योंकि मैं इंद्रिय रहित हूं। फिर बतला दिया है मन, सारी दुनिया क्या है, मन से दुखी है, हैं? तो कहते अमनस्त्वात् न मे दुखम राग द्वेष भयादयः। मन रहित तो होने के कारण से मन मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मैं मन का साक्षी हूं, मन मुझसे भिन्न है। तो ये जो सुख है, दुख है, द्वेष है, ईर्ष्या है, भय है, क्रोध है, सब किस में? मन में है। और मैं मन रहित हूं, इस कारण से ये मुझ में नहीं है। तो ये तो होता है, जैसे पता लगे किसी का गंगा किनारे घर हो है और बाढ़ आ जाए, और बाढ़ में बहुत जो मकान है उनको नुकसान हो, आपके मकान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपको सूचना मिली कि बाढ़ में आपका मकान सारा का सारा क्या हो गया, खंडर हो गया, टूट गया, तो आपको क्या होता है? दुख होता है। और जब आप देखने आते, अच्छे से देखते, तब पता लगता है कि आसपास के सब मकानों को नुकसान हुआ, लेकिन आपका मकान तो जो कहती हूँ है, तो फिर क्या होता है? सुखी हो जाती। तो वैसे ही देह में अहमता ममता करके, इंद्रियों में अहमता ममता करके, मन और बुद्धि में अहमता ममता करके क्या होता है? अजन्मा का जन्म होता है। क्या होता है? जो अजन्मा है, जो अजर है, जो अमर है, उसका क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, जरा हो जाता है, रोगी हो जाता है। कौन? जो कि अजन्मा है, अमर है, अजर है, उसका देह के साथ में अहमता ममता कर। ऐसे ही इंद्रियों के साथ में अहमता ममता करके अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा, ये सब क्या हो जाता है? इंद्रियों के साथ में अहमता ममता करके।
प्राणों के साथ में अहमता ममता करके, मन के साथ में, चलो प्राणों के साथ में, प्राणों के साथ में अहमता ममता करके भूखा प्यासा हो जाता है। मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, जबकि भूख प्यास किसके धर्म है? प्राणों के धर्म है। ऐसे ही क्या मन के साथ में अहमता ममता करके, किसके साथ में? मन के साथ में मैं मेरापन करके क्या हो जाता हूं? कभी सुखी मैं वो सुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, हैं? मेरे में बहुत क्रोध है, मैं तो बहुत शांत हूं, मेरे अंदर राग है, मैं क्या हूं? मेरे अंदर कोई राग नहीं है, मुझ में बहुत द्वेष है, मैं तो बिल्कुल क्या हूं? द्वेष रहित हूं, ईर्ष्या रहित हूं। तो ये सब जो है ये किस में है? मन में है, लेकिन मन के साथ मैं और मेरा करके जो निर्विशेष है, जो निर्मल है, जो विशुद्ध है, उसमें क्या हो जाता है? सुख दुख कर्तापना भोक्तापना राग द्वेष हो जाता है, ईर्ष्यालु आदि हो जाता है, जबकि है वो क्या? वो तो बिल्कुल क्या है? समस्त धर्म विवर्जित है, सच्चिदानंद नित्य मुक्त चेतन आत्मा, वो आपका अपना आपा है। तो ऐसा निश्चय करके निर्भय और निश्चिंत हो करके जगत में क्या है? विचरना चाहिए, जगत में विराजमान रहना चाहिए, हैं? किसी को बस सबके प्रति दया का भाव होना चाहिए हृदय में, किसी को सताए नहीं, और बाकी निर्भय और निश्चिंत हो करके क्या रहे? और मुक्त, जीवन मुक्त हो कर जगत में विराजमान रहे। समझ आ गई? वास्तविकता तो ये है। तो ये सब किस में पता है? पता लग गया किस में है? जन्म और मृत्यु है, इंद्रियों विषयों के साथ में संबंध और अंधता मंदता आदि किस में? इंद्रियों में। और जो सुख दुख द्वेष ईर्ष्या आदि किस में है? मन में है। तो मुझ आत्मा में नहीं है। अप्राणो यमना शुभ्र इत्यादि श्रुति शासना, श्रुति भी इस विषय में प्रमाण है कि अपनी आत्मा तो प्राण रहित मन रहित अत्यंत शुभ्र ही है, शुद्ध ही है। तो अब आप लोग 34वां श्लोक देखेंगे ना आज। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। निर्गुणः निष्क्रियः नित्यः निर्विकल्पः निरञ्जनः निर्विकारः निराकारः नित्यमुक्तः अस्मि निर्मलः। क्या बतला रहे? निर्गुणः अहम् निर्गुणः अस्मि। क्या बताया है आचार्य ने, गुरुदेव ने कृपा करके उसको उपदेश किया और उसके स्वरूप को लिखा दिया।
और अपने स्वरूप को लख करके जान करके अब वो क्या देखता है, तो अब अपना अनुभव बता रहा है कि ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ये तो स्थूल देह में है, ये जो अंधा बहरा पना है गूंगा लंगड़ा पना है ये इंद्रियों में है, और ये जो सुख दुख राग द्वेष चंचलता और शांत पना ये सब मन में है, मुझ में नहीं है, मैं तो निर्गुणा अहम अस्मि, मैं क्या हूं निर्गुण है। ये तीनों जो गुण है ये किसमें है, ये सब तो माया में और माया के कार्यों में है ना, किसमें है ये गुण, माया में और माया का जो कार्य है उनमें हो गए, तो मैं तो निर्गुण हूं, मुझमें कोई गुण नहीं, निष्क्रिया और क्रिया किसमें, गुणों में ही तो क्रिया है, गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। क्या बता रहे हैं गीता जी में, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वरत रहे, मतलब क्या है, सारा का सारा जो कुछ स्थूल सूक्ष्म है वो सब क्या है, पंच महाभूतों के गुणों का ही तो कार्य है ना, माया का ही तो कार्य है, माया का ही कार्य क्या है, पंच महाभूत है, और माया क्या है, त्रिगुणात्मिका है, है? तो ये जो शरीर है ये भी एक गुण है, इंद्रिया है ये भी एक गुण है, विषय है ये भी एक गुण है, सबके सब क्या है, गुण ही है ना, गुण माने माया का कार्य, और माया त्रिगुणात्मिका है, तो सब में क्या है, किसी में सत्व गुण है। अब आप देखिए, एक हीरा है, एक कांच है, एक मिट्टी का ढेला, एक पत्थर है, एक मिट्टी का ढेला है सबके सब क्या, मिट्टी है ना, सबके सब क्या है, लेकिन जो निर्मल है वो क्या है, हीरा है, जो बिल्कुल साफ सत्व की जिसमें प्रधानता है, ऐसी मिट्टी को क्या बोलते हैं, हीरा। ऐसी दूसरी मिट्टी है वो कांच है, तीसरी मिट्टी कहते हैं ग्रेनाइट है, पत्थर है तो क्या वो भी मिट्टी, और एक मिट्टी का ढेला है वो भी क्या है, मिट्टी, तो उपाधि में क्या है, किसी में सत्व की प्रधानता है, किसी में रज की प्रधानता है, किसी में तम की प्रधानता है, इतना ही भेद है ना, है तो सबके सब सारे के सारे क्या है, मिट्टी ही है, गुण ही है, माया का कार्य ही है, तो वैसे ही ये जो शरीर रूप गुण है, इंद्रिया रूप गुण है, अंतःकरण रूप गुण है, विषय रूप गुण है, इसीलिए कह दिया गुणा गुणेषु वर्तन्ता, शरीर रूपी गुण ही जो प्रकृति के जो भी कार्य हैं वो भी गुण है, हैं? किसी ने मिट्टी को यहां से वहां रख दिया, गमले को वहां से वहां रख दिया, पौधे को वहां से वहां लगा दिया, ये भी सब क्या है, माया का ही तो कार्य है, प्रकृति का ही तो कार्य है, वो भी गुण है, तो गुण ही भाई, शरीर रूपी गुण ने पौधे रूपी गुण को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह लगा दिया, या पत्थर रूपी गुण को उठा करके दूसरी जगह रख दिया, या अनाज रूपी गुण को उठा करके उसकी पेड़ी बना करके और आग आदि जला करके, वो भी सब क्या है, वो भी सबके सब प्रकृति का ही कार्य है ना, सबके सब गुण ही है, तो कौन कर रहे हैं, मन में संकल्प का होना ये भी गुण है, इंद्रियों के द्वारा उस कर्म को, इंद्रिया और शरीर के द्वारा उस कर्म को कर देना ये भी क्या है, गुण ही है,
आत्मा तो केवल क्या है, सूर्य के समान केवल प्रकाशता है। क्या करता है, उसकी सत्ता से हो रहा है, उसकी उपस्थिति से हो रहा है, उसके प्रकाश में हो रहा है, उसकी महिमा से हो रहा है, उसकी कृपा से होता है। तो शरीर रूपी गुण, इंद्रिया रूपी गुण, मन रूपी गुण और जो जो विषय है उन सब गुण, जो जो कर्म है वो सब गुण, तो गुण ही गुणों में वर्तते है इति मत्वा न सज्जते। ऐसा मान करके, जान करके, उनके कर्म और कर्म फल के साथ में आसक्ति युक्त नहीं होता है, उनके साथ बंधता नहीं। समझ आया? तो इसी को यहां भी कहते हैं निर्गुणा होने से निष्क्रिय। क्रिया किन में है, गुणों में, और मैं क्या हूं, निर्गुण होने से निष्क्रिय नित्य, और क्या हूं, नित्य सदा, तीनों कालों में सदा ही विराजमान रहने वाला हूं, कहीं भी मेरा अभाव नहीं, नित्य हूं, निर्विकल्प। अभी आपको बता ही दिया है विकल्प किस में है, चित्त में, समस्त विकल्प चित्त में है, और मैं क्या हूं, मन रहित हूं। तो मन रहित होने से विकल्प भी मुझ में नहीं है। निरंजन, और क्या हूं, अंजन रहित, अंजन जो माया मल है उससे मैं, ये सब माया में है ना, माया निर्गुण है, सगुण है, सगुण हाँ, निष्क्रिय है, क्रियावान है, सक्रिय और नित्य है, अनित्य है, अनित्य माया, माया माया इसके बिल्कुल विपरीत है ना, अनित्य निर्विकल्प है या सविकल्प है, सविकल्प, सविकल्प किसमें, माया में, अंजना, और माया क्या है, अंजन है, काली माँ, अंजन लगाते हैं ना, है जी, आंखों में लगाते हैं, उसको अंजनी बोलते हैं ना, या कुछ और बोलते हैं, अंजनी बोलते हैं ना, ज्ञान अंजन, यहाँ भी तो लगाते हैं अंजन, यहाँ भी अंजन लगाते हैं, किसका अंजन लगाते हैं, ज्ञान का अंजन लगा करके, ज्ञानांजन सलाकया चक्षु उन्मीलितम येना, जिन्होंने हमारे क्या है, नेत्र खोल दिए हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुदेव को नमस्कार। तो निरंजना, अंजन जो माया मल है उससे अहम क्या हूं, उससे मैं रहित हूं, किसके लिए दिया जा रहा है, अहम निर्गुण अस्मि, अहम निष्क्रिय अस्मि, अहम नित्य अस्मि, अहम निर्विकल्प अस्मि, अहम निरंजन अस्मि, निर्विकारो निराकारो, और मैं क्या हूं, निर्विकार, समस्त विकार किन में, गुणों में, समस्त विकार, शरीर हो रहा है धीरे धीरे बूढ़ा, कौन हो रहा है, आत्मा हो रही है, शरीर हो रहा है, इंद्रियों की शक्ति धीरे धीरे क्या हो रही है, कम दिखना कम सुनना शुरू हो गया है, किसको, आत्मा को, इंद्रियों, ऐसे ही विचार में करने में, विचार करने की सामर्थ्य उत्साह वो किस में है, मन में है,
और मैं तो क्या हूं, मन रही। तो इस समस्त विकार किन में है? गुणों में है ना, उपाधियों में है। तो मैं तो निर्विकार, ये अस्थि जो षड़ विकार मुख्य रूप से बताते हैं ना, षड़ विकार कौन कौन से बताए, अस्थि जायते अस्थि जायते वर्धते विपरिणम्यते अपक्षीयते और विनश्यति, ये जो षड़ भाव विकार है ये सब किसमें है, ये सब उपाधि में है, माया और माया के कार्यों में, मुझ आत्मा में नहीं है। निर्विकार बताओ, अमृत पी करके क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो क्या पी रहे हैं, क्या हो गए, अमर हो गए ना, नहीं। अब मरेगा कौन, जो मरा हुआ है अब मरूंगे, तो ऐसा आपको निश्चय होना चाहिए। तो ये तो इसको तो निश्चय हो गया, तो क्या कहता है, अहम निर्विकार अहम निराकार। अब अपने आप क्या मानते हो, आकार, क्या मानते हैं आकार, जब से जन्म हुआ आकार से आपका ये शरीर प्रकट हुआ, आकार ने ही आपको खिलाया पिलाया पाला पोसा, आकार को ही आपने देखा, आपके बुद्धि में क्या भरा हुआ है, नाम और रूप, ये तो भरा हुआ है, क्या भरा है, भाई माता पिता का भी एक आकार है ना, शरीर है, हैं गाय बैल भैंस हैं शेर सांप, ये सब का भी क्या है, मकान के भी आकार है, गाड़ी के भी आकार है, सबके आकार, आकार माने रूप, नाम और रूप, इसी में जिए। लड्डू गोल गोल बना दिया लड्डू, कुछ और आकार दे दिया बालू स्याही, कुछ और आकार दिया तो इमरती, कुछ और आकार दे दिया तो जलेबी, है सब क्या, एक मीठा। तो नाम रूप में जिए ना, आकार में जिए, तो ये बड़ा कठिन। अपने आप को भी क्या मानता है, आकार ही तो मानता है ना, ये जो हाथ पैर वाला इस तरह की शकल वाला है आदमी की तरह जो दिखता है, दो पैर पे चलता है यूं सीधा, रीढ़ की हड्डी जिसकी सीधी है, तो भी मानता है ना अपने को आकार, मनुष्य अपना नाम रखा है, मनुष्य जो नाम रूप है इसी आकार, तो आकार को ही देख करके जीवन जिया है ना, आकार में ही रहता है, कहाँ रहता है, आकार भाव में रहता है या निराकार भाव में रहता है, आकार है? आकार, आकार में रहता है, और आकार ही देखते, कपड़ों का भी आकार, ये डिजाइन नहीं तो दुखी किए हुए दुनिया, अब इसको डिजाइन कह दो, उसमें डिजाइन कहो आकार कहो रूप कहो, बात तो एक ही है, हैं? तो नाम में और रूप में, अब नाम रूप का जो आधार है अधिष्ठान है, वहां तक बुद्धि की पहुंच है नहीं, उसको समझा ही नहीं, तो नाम रूप का जो आधार है वो क्या है, वो सच्चिदानंद है। जैसे जो आभूषण नाम है रूप है, उसका आधार क्या है, सोना है। अब आपको सोने से मतलब है या खाली नाम रूप से मतलब है, लोहे का बना के दे दे तो ले आऊंगे, हाँ जी फेंक देंगे, तो सोने से मतलब है ना। तो वैसे ही जितने भी नाम रूप हैं, इन समस्त नाम रूपों का जो आधार अधिष्ठान है वो चेतन अपनी आत्मा, सब अपने में ही कल्पित है।
तो इसी को कहते हैं निराकारा अहम, मैं निराकार। तो अपने को निराकार मानते हो या आकार मानते हो, साकार मानते हो निराकार मानते हो, ये बताओ। तो साकार का तो जन्म है, साकार में तो मृत्यु है, साकार में तो बुढ़ापा है, साकार में तो अंधता मंदता पटुता आदि है, सब किस में, साकार में। और निराकार में ना जन्म ना जरा ना व्याधि ना मृत्यु ना भूख ना प्यास ना अंधता ना मंदता ना पटुता और ना संकल्प ना विकल्प ना सुख ना दुख ना द्वेष ना ईर्ष्या, ये सब किसमें है, आकार में। तो मैं निराकार, मैं निराकार हूं, मुझ में नहीं है। आगे देख लो क्या बोला, नित्य मुक्त अस्मि। अपने को नित्य मुक्त समझते हो या बंधन में जानते हो, निरंतर क्या भाव रहता है, निरंतर ये बोध, ये निश्चय बना रहे कि मैं क्या हूं, आप नित्य मुक्त हो, नहीं हो क्या, आप नित्य मुक्त। शरीर, शरीर अपनी जगह है, इंद्रिया वो अपनी जगह है, प्राण वो अपनी जगह है, मन बुद्धि वो अपनी जगह है, उनको क्यों आप अजर अमर करने के चक्कर में लगे हुए हो, उनको अजर अमर करना, शरीर से ना मरू है, शरीर तो सबके मरते हैं, इंद्रियों में ये ना होवे भाई। ये दुनिया का धर्म है कि एक समय शक्ति कम होती है, फिर शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है और फिर धीरे धीरे क्षीण होती है, ये तो स्वभाव है, स्वाभाविक है। तो आप ऐसा होना चाहते हो, शरीर आदि को लेकर के अजर अमर होना चाहते, जबकि आप वास्तव में अजर अमर हो, आप अजर अमर हो, लेकिन आप शरीर को लेकर अजर अमर होना चाहते हैं। वो प्रयास तो कैसा है, वैसा ही है कि कोई पानी से मक्खन निकालना चाहे, रेत से तेल निकालना चाहे, हैं? आकाश को चमड़े की तरह लपेटना चाहे, संभव है क्या। तो वैसे ही आप तो निरंतर ही नित्य मुक्त हो, निर्विकार हो। ये सब कुछ जन्म मरण आदि देह इंद्रियों में है, आप नित्य मुक्त है। तो यही रहना चाहिए ना, निश्चय निरंतर, ये निश्चय ये बोध निरंतर रहे कि मैं देह आदि जो उपाधियां है। अब जैसे मकान है, मकान में आप रहते हो ना, नहीं रहते हो, मकान को साफ भी करते हो, पुताई भी करते हो, रिपेयरिंग भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन मकान को कभी मैं मानते हो क्या, हाँ नहीं मानते हो। तो वैसे शरीर आदि क्या है, और घर में लाइटें भी है और घर में पंखे भी है, सबको संभालते हो, लेकिन उनको मैं, वैसे ये शरीर है, ये शरीर भी तो क्या है, ऐसा ही है ना। तो ये शरीर भी ऐसा ही है, आप इससे अलग है, जैसे मकान से आप अलग है, पंखे से आप अलग है, लाइट से आप अलग है, गाड़ी से आप अलग है, वैसे ही जो शरीर से, इंद्रियों से, प्राणों से, मन से, बुद्धि से आप क्या है, अलग है, इनको जानने वाले हैं, इनके साक्षी। ऐसा ज्ञान निरंतर बना रहना चाहिए। तो ऐसा जिसने विचार किया है, निश्चय कर लिया है, तो वो कह देता है
निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽसि निर्मलः। निर्विकार हूँ, निराकार हूँ, नित्य मुक्त हूँ और निर्मल। हाँ जी, अब ये देखो ना, दहाड़ की बात है, बकरियों के साथ रहने से क्या हो जाता है, बकरी हो जाता है, और शेरों के साथ में रहे, सब कुछ तो संघ का ही तो महत्व है, नहीं? डरने वालों के पास रहो तो क्या हो जाओगे, और वीरों के पास रहोगे तो क्या सुनोगे, क्या दहाड़, क्या विचार हैं, कैसा बनेगा, नहीं तो वहां वीर बन जाओगे, नहीं बन जाओगे, ऐसा ही। जैसों के संग में रहे, कंजूसों के संग में रहे तो कंजूस हैं, और उदार आत्मा के संग में रहे तो कैसे, दूसरे को देख करके अपने अंदर भी क्या आती है, देने का भाव आता है, नहीं आता है, कि दूसरा दे रहा है, बांट रहा है, हैं? तो अपने अंदर भी क्या आता है, आलसियों के पास रहोगे तो क्या हो जाएंगे है? और पुरुषार्थियों के पास रहे तो है? पुरुषार्थी हो जाता है ना। तो वैसे ही संसारियों का संग करे तो शरीर हो जाए, जन्म मरण वाले हो जाते हो, सुखी दुखी हो जाते हो, और विवेकी का संग करे तो, ज्ञानी का संग करे तो क्या हो जाते हैं, ये हो जाते निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तो अमिन नित्य मुक्तो उसमें निर्मला। निर्विकार हूँ, निराकार हूँ, नित्य मुक्त हूँ, निर्मल हूँ, निर्गुण हूँ, निष्क्रिय हूँ और नित्य हूँ, निर्विकल्प हूँ, निरंजन निर्मला मल रहित। क्या हूँ, कोई भी मलिनता मेरे पास नहीं ठहरती, मेरे सामने तो किसी द्वैत मल की सत्ता ही नहीं है। जो भी माया है, द्वैत है, ये सारा का सारा जितना भी मलिनता है, ये सब जैसे अग्नि में क्या करो, जितना भी आपके ग्राम का कूड़ा कचरा हो, ला करके होली जलाते हो ना, होली अग्नि में डाल दो, क्या हो जाएगा, स्वाह हो जाएगा, नहीं? तो वैसा ही है ज्ञान की अग्नि में, तो भगवान श्री कृष्ण कह ही रहे हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरु तेर्जुना, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितं बुधा। तो अग्नि के समान ही ये ज्ञान, इसके द्वारा क्या हो जाता है, सबका सब जो माया मल है वो सब का सब भस्म हो जाता है। तो फिर यही अनुभव हो जाता है, नित्य मुक्त हूँ, नित्य हूँ, निर्गुण हूँ, निष्क्रिय हूँ, निर्विकार हूँ, निराकार हूँ, निर्विकल्प हूँ, निरंजन हूँ, नित्य मुक्तोऽस्मि, नित्य मुक्त हूँ, अहमाकाशवत् सर्व बहिरंतर्गतोच्युतः सदा सर्वसमाशुद्धो निशंगो निर्मलोचलः। अहम् आकाशवत् सर्वबहिः अन्तःगतः।
अच्युतः सदा सर्वसमः शुद्धः निशंगः निर्मलः अचलः अहम आकाशवत्। मैं क्या हूँ? आकाश के समान, जैसे सब कुछ आकाश में है और सब में आकाश भरा हो। बाहर भी क्या, अंदर भी क्या, आकाश। अब ये जो आपका मकान है, इस मकान के अंदर क्या है और मकान के बाहर क्या है? आकाश ही है ना। घड़ा बनाया है, घड़े के अंदर क्या है, बाहर क्या है? गाड़ी के अंदर क्या है, बाहर क्या है? पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के बाहर क्या है? आकाश ही आकाश है ना। आकाशवत सर्व बही अंतर्गतः, सबके बाहर भी और सबके अंदर भी कौन गया हुआ है? आकाश। अहम आकाशवत, मैं क्या हूं? आकाश के समान। जिस प्रकार से आकाश क्या है, निराकार है, निर्विकार है, निरवयव है, सूक्ष्म है, व्यापक है, अपनी आत्मा भी क्या है? आकाश के समान। आकाश नहीं, आकाश तो मुझ में कल्पित है, आकाश तो माया से मुझ में क्या है, कल्पित है। आकाश में नहीं, आकाश के समान, क्योंकि आपकी बुद्धि सहजता से आकाश तत्व को समझ लेती है। दृष्टांत दिया है, जबकि आकाश तो जड़ है, आकाश तो मुझ में कल्पित है, आकाश का तो मैं साक्षी हूं, मैं आकाश नहीं हूं। आकाश से अलग, आकाश का साक्षी, आकाश मुझ में कल्पित और मैं आकाश का जानने वाला। इसलिए आकाश के समान सबके बाहर भी और सबके अंतर्गत अहम। सबके अंदर भी कौन है? सतचित आनंद ही सबका क्या है, जितने भी नाम रूप है, सर्व नाम रूप, उन सब सर्वनाम रूपों का आधार क्या है, अधिष्ठान क्या है? सच्चिदानंद। इसीलिए बोल दिया है सर्व बहिगता सर्व अंतर्गता, सबके बाहर भी और सबके अंदर भी कौन गया हुआ है? मैं ही गया हुआ। अच्युता, और कभी भी अपना जो स्वरूप है उससे जो ना गिरे, उसको क्या बोलते हैं? अच्युता। वहां से जिसका क्या हो, पतन ना हो, च्युत ना हो, उसको अच्युता कहते हैं। तो अपने स्वरूप, अपना स्वभाव, अपनी सच्चिदानंद रूपता, नित्य मुक्तता, उससे जो कभी भी हटता नहीं है, उसको क्या कहेंगे? अच्युता। सदा सर्व समः, सदा ही क्या हूं? सर्व समः, सब में समान रूप से विराजमान। सर्व सम हूं, परिवर्तन नहीं है, एक रस। क्या हूं? एक रस। सदा सर्व समः शुद्धः
और क्या हूं? शुद्ध। निसंग और संग से, राग से, आसक्ति से रहित। निसंग हूं, कभी भी कहीं पर भी संग राग लिपायमान नहीं होता हूं। कमल पत्रवत, जैसे कमलनी का जल में ही वासा है और उससे बिल्कुल अलग है, वैसे शरीर में, शरीर में, इंद्रियों में, प्राण में, सब में हूं और सबके जो गुण धर्म है उन सब से सदा असंग हूं। शरीर के गुण धर्म है जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, किसके गुण धर्म है? ये शरीर के, लेकिन इनसे। अब ऐसा है ना, जैसे क्या है, कोई मित्र है, उस मित्र के साथ में आप क्या हो जाते हो? उसका संग करके उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हो ना, लिपायमान हो गए ना, लिप्त तो हो गए, नहीं हो गए। तो आत्मा देखो, आत्मा के लिए कहते हैं सब में हूं, हैं? सबके अंदर भी, सबके बाहर भी, और फिर भी ये तो होती है कला, हैं? ये क्या है? ये कला है, सब में है, सब में वर्तता हुआ, हैं? ज्ञानी तो यही है ना, ज्ञानी यही है कि शरीर आदि के द्वारा हैं यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी जो सदा ही असंग रहे, सदा ही निर्लेप रहे, कभी भी लिपायमान ना होवे, तो यही तो क्या है, यही तो श्रेष्ठता है, यही तो विलक्षणता है। तो निसंग संग रहित, सदा ही असंग, आपकी आत्मा शरीर से होने वाले जो कर्म हैं, इंद्रिया प्राण या अंतःकरण से होने वाले जो कर्म हैं, जो धर्म हैं, उन सब से सदा ही सर्वथा क्या है? असंग। मैं पापी हूं जी, मैं पुण्यात्मा हूं जी, ये सब किसमें? ये जो कर्म बना है, श्रेष्ठ कर्म बन गया, किससे बना है? अंतःकरण इंद्रिया शरीर के संघात के द्वारा। और जो मलिन कर्म बना है वो भी किससे बना है? संघात से हुआ है ना, किससे हुआ है? और आत्मा, अब सूर्य की उपस्थिति में कितने लोग धर्म कर रहे हैं और कितने लोग पाप कर रहे हैं, तो उन सब के धर्मों का जो पुण्य है वो सूर्य को मिलेगा, और जो लोग पाप कर रहे हैं उन सब के पाप का फल थोड़ा बहुत तो मिलता होगा, कोई मतलब नहीं है। वैसे ही आत्मा का धर्म या अधर्म से, जो कि शरीर इंद्रिया अंतःकरण के द्वारा होने वाले जो कर्म है या धर्म है, उनके साथ में कोई संबंध नहीं। आत्मा क्या है? सदा ही असंग, सदा ही निर्लेप। तभी तो ये महिमा, ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान विचित्र है, हैं? तो क्या कर देता है? तत्काल ही मुक्त करता है। कर्म करेंगे कब मुक्त होंगे, उपासना करेंगे कब होंगे, होंगे नहीं होंगे, करते रहो प्रतीक्षा मरने की, और ये ज्ञान क्या करता है? तुरंत, जैसे ही जाना ये रस्सी
है सर्प नहीं है, तत्काल ही भय से मुक्त हो गए। जैसे ही जाना ये देह में है, ये इंद्रियों में है, ये प्राणों में है, ये अंतःकरण में है, आत्मा आत्मा तो निरंतर ही निराकार निर्विकार असंग निर्लेप और नित्यम निरंतर ही आप मुक्त हो। बताओ किसी के पास आप जाएंगे वो मुक्त करेंगे बांधेंगे? सब तो बांधते ही है, है? और बांधने में ही आपको प्रसन्न वो बंधते बंधते आदत भी हो जाती है। बांधने में ही क्या होती है बंद, कोई बांधे तो आप क्या होते हैं और कोई खोले तो क्यों जी? जो बांधे तो आपको क्या आएगा और कोई खोले तो नहीं आनंद नहीं आएगा ना? क्यों? बंधते आदत की बात है नहीं भाई। जो खाएंगे जैसा तो वैसे ही क्या बना है, वैसे ही वो बना है ना, वैसे ही करते करते वैसे स्वभाव बन जाता है नहीं। तो बंधने की क्या पड़ गई है, आदत पड़ गई, बंधने की आदत हो गई है। इस तरह जबकि यहां क्या करते हैं खोल दिया ना, तुरंत ही खुल गया, तुरंत क्या हुआ, तुरंत खुल गया कि नित्य मुक्त है। क्या हो गया है? निसंग नित्य मुक्त निर्मल अचल, निर्मल है और निर्मल हो अचल हो। चला कौन? ये जो चलना है किसमें? उपाधि में है ना, किसमें? शरीर चलता है, इंद्रिया चलती है, प्राण चलते हैं, मन बुद्धि इसका दिमाग वो चलता है भाई है? जैसे खोपड़ी वो चलती है नहीं। अब जिसका शरीर कम चलेगा उसकी क्या है, खोपड़ी ज्यादा चलेगी, सीधी सी बात है क्यों जी? अब एक मजदूर है उसका क्या चल रहा है, तो उसका दिमाग कम चलेगा। और एक जो ऑफिस में बैठा है शरीर उसका चल नहीं रहा है, तो उसका क्या चल रहा है, तो वो आके बताएगा। इसलिए जो कराने वाला है ना वो ज्यादा जानता है क्योंकि उसका दिमाग चल रहा है, और जो करने वाला उसको उसको नहीं दिखता है उतना क्योंकि उसका क्या है, वो तो वहां लगा हुआ है ना नहीं। हाँ तो कई लोगों की खोपड़ी ज्यादा चलती है, तो खोपड़ी ज्यादा इसीलिए चलती है क्योंकि शरीर कम चलता है। कई लोग कहते हैं ना कि माइयों की जो खोपड़ी है, है? सब आदमियों के अनुभव है, ये आदमी बताते हैं माइयों की खोपड़ी बहुत, कह रहे माइयों की तेरी खोपड़ी बहुत चलती है, है? तो खोपड़ी चलाने के उनके पास क्या है, टाइम है? और आदमी के पास खोपड़ी चलाने का टाइम है? आदमी तो गधा होता है क्यों जी? आदमी क्या होता है, गधा, गधे की तरह हर समय दौड़ते रहो है? और माइयें क्या होती है, है उस गधे को चलाने वाला कौन है, वो माइये है नहीं? ऐसा ही तो बताते लोग, देखो माइये कितनी गंभीर हो गई है, कभी तुम्हारी चोरी ना पकड़ी जाए सब बड़े होशियार है देख लो, ऐसे भ्रम में रखते हैं। अच्छा जी, तो ये बात है, तो जो चलना है वो किस में हुआ, उपाधि में हुआ। शरीर आदि जो उपाधियां है इनमें ही क्या है, चलना है, और अपनी आत्मा तो अचल है, अपनी आत्मा अचल है। जैसे वृक्ष आदि का गाड़ी में बैठो ना
ट्रेन में बैठो तो क्या लगता है कि वृक्ष दौड़ रहे हैं, जबकि वो क्या है, अचल है। दौड़ कौन रहा है? हम लोग बोलते हैं कि स्टेशन आ गया। क्या आ गया? आप तो वहीं थे, ऋषिकेश स्टेशन पर बैठे थे, हरिद्वार स्टेशन आ गया चल करके। नहीं ऐसा होता है, स्टेशन आया या गाड़ी आ गई स्टेशन पर, गाड़ी पहुंची है ना स्टेशन पर आप लोग क्या कहते हैं, स्टेशन आ गया। स्टेशन थोड़ा यहाँ चल के, वो तो वहीं है। तो ऐसे ही व्यवहार होता रहता है। तो वैसे ही आप सोचते हो कि आप चलते हो या आप दौड़ते हो या आप शांत हो या अशांत हो या चंचल हो, लेकिन आप तो अचल हो। ये सब कुछ जो चलना है वो उपाधियों में है। शरीर में चलना है, इंद्रियों में चलना है, प्राणों में चलना है, मन बुद्धि में चलना है, चलेंगे ही, जिनका स्वभाव है। क्या है? चलना स्वभाव है ना। सुबह होती है, मध्याह्न होता है और सायंकाल होता है और रात्रि होती है, वो क्या है, चलना है। वैसे शरीर है तो शरीर भी चल रहा है ना निरंतर, जन्म लेकर वृद्धि को प्राप्त होकर क्षीण होने की तरफ चल करके और अंत में विनष्ट हो जाता, चल रहा है ना सब कुछ। तो नाम ही जगत, गच्छती थी जगत, जहां सब कुछ अचल अपनी आत्मा है, बाकी सब कुछ चल है, चलायमान। अचल निर्मल अपनी आत्मा है। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम् अखंडानंद मद्वयम् सत्यम ज्ञानमनंतम् व्यात् परम ब्रह्माहमेव तत्। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम् अखंडानंदम् अद्वयम् सत्यम् ज्ञानम् अनंतम् यत् परम् ब्रह्मा अहमेव तत्। अहम् नित्य शुद्ध, मैं क्या हूं? नित्य शुद्ध, निरंतर ही शुद्ध। शरीर के शुद्ध हो जाने से मैं शुद्ध नहीं होता हूं, या इंद्रिया या मन के मलिन या शुद्ध हो जाने से मैं मलिन या शुद्ध नहीं होता हूं। कपड़े के मैला हो जाने से मैं मैला नहीं होता। अहम नित्य शुद्ध, मैं नित्य ही शुद्ध। विमुक्ता, और क्या हूं? नित्य विमुक्ता, दोनों जगह जोड़ देना, नित्य शुद्ध नित्य विमुक्त। नित्य ही क्या हूं? नित्य ही मुक्त। कभी बंधन आप में आया ही नहीं, कभी बंधन आप में आ सकता ही नहीं। आप क्या हो? सदा ही नित्य ही मुक्त हो, नित्य ही मुक्त हो। ये ऐसी प्रज्ञा बनाओ, ऐसी बुद्धि बनाओ। और ऐसी प्रज्ञा कैसे बने? ऐसी प्रज्ञा बनाने के लिए ही तो सब है ना। जैसे शरीर बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं शरीर को? खा पी करके, परिश्रम करके, उससे क्या बनता है? शरीर बनता है। तो वैसे ही विचार से, विवेक से, अभ्यास से क्या बनती है? प्रज्ञा बनती है।
क्या बनती है? ऐसी प्रज्ञा बनती है। तो ये प्रज्ञा होनी चाहिए कि मैं नित्य ही शुद्ध हूँ और नित्य ही विमुक्त हूँ, क्योंकि मैं तो चेतन हूँ, आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, ब्रह्म हूँ। ये देह आदि मैं नहीं, ये पंचकोश मैं नहीं। ऐसी प्रज्ञा बनाओ, ऐसी प्रज्ञा जैसे बनाते ना मिठाई बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो मिठाई बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है ना, समझदारी से, विवेक पूर्वक, धैर्य पूर्वक, तब जा करके स्वादिष्ट मिठाई बनती। ऐसी बनाओगे तो पता नहीं क्या बना दोगे, हैं कि आटा जल गया जी, फिर उसमें वो डाला था क्या, वो भी जल गए जी, हैं ऐसे थोड़ा है। तो बनाना है जैसे मूर्ति बना, कुछ भी बनाना हो, मकान बनाना हो, तो सबके लिए क्या चाहिए? समझदारी चाहिए ना, विवेक चाहिए, धैर्य चाहिए, उस तरह का ज्ञान चाहिए। तो धीरे धीरे जाकर के भवन बनता है, मूर्ति बनती है, भोजन बनता है, कुछ भी उसके लिए क्या चाहिए? तप चाहिए ना। तो ऐसे निरंतर विचार रूप तप के द्वारा क्या हो? ऐसी प्रज्ञा बनाओ कि मैं नित्य ही शुद्ध हूं, नित्य ही मुक्त। एकम एक हूं अखंडानंदम अद्वयम, और क्या हूं? अखंड आनंद स्वरूप, अखंड आनंद स्वरूप हूं। मैं बहुत दुखी हूं, किसी से पूछे कैसे आप, कहते मैं बहुत दुखी। आप पूछोगे तो आपको क्या कहेंगे? यदि आप किसी को पूछोगे तो क्या कहेंगे? सब बहुत ठीक। और यही बात हम पूछेंगे तो हाँ, क्यों सेठ जी? आप पूछते हो तो आपको क्या कहते हैं? सब ठीक है, बहुत अच्छा है। और हम पूछते हैं तो हमें कहते हैं बहुत दुखी है। इसे तो नानक जी थे ना, समझदार थे, नानक दुखिया सब संसार। क्यों? नानक जी आगे सब अपना अपना दुख आके रोते थे। नानक जी थोड़ा किसी घर गए थे हैं? तो नानक जी ने समझ लिया कि सबके सब क्या है, संसारियों से पूछते जी कैसे, कह जी वो तो बहुत सुखी है। क्यों? एक मकान था दो बना दिए, एक फैक्ट्री थी चार बना दी, एक गाड़ी थी 10 कर ली, वो तो बहुत सुखी है। अब सही तो नानक जी को पता है, किसको पता है? सही तो भगवान श्री कृष्ण को पता है। वो क्या कहते हैं? दुखालयम, भाई संसार क्या है? दुख का घर है। तो वैसे ही आप लोगों को नहीं पता लगती ये बात, किसको पता लगती है? ये तो हमें ही पता लगती है। इसीलिए सब पर सबके सब दया के पात्र हैं। कोई कितना भी उत्कर्ष कर ले संसार में, वो भी क्या है? और वो अधिक दया का पात्र है, क्योंकि उसको वहां पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा बेचारे को प्रयत्न करना पड़ा। अब वहां पर रहना और ज्यादा कठिन थे, लोग टांग खींच रहे हैं, फिसलन वैसे ही है नहीं, तो उसके बराबर गरीब दुखी कोई होगा? जो जितना ज्यादा उत्कर्ष कर लिया, कोई भी हो, संसार में उत्कर्ष है ही, यहां उत्थान है ही पतन के लिए। संसार में उत्थान किस लिए? जैसे शरीर की सबसे बड़ा पहलवान, सबसे तकड़ा पहलवान क्या करें, यो उठा के यो रख दें, ऐसा भी समय आता है पहलवान जी करवट बदल लो। पहलवान था है? 10-20 को तो यो इधर जैसे वो कर लिया था ना, बाली ने इसको पकड़ लिया, रावण को, हाँ अपनी बगल में दबा लिया। और एक समय ऐसा भी आता है कि भाई जैसे भीष्म पितामह कह रहे हैं ना अर्जुन को कि मेरे आंसू तो पोंछ दो है? भीष्म जैसे ऐसी स्थिति हो जाती है? नहीं हो जाती है। जितना बलवान, क्योंकि ये तो उत्कर्ष हुआ ही,
पतन के लिए है, नहीं होता है। एवरी स्टीव हैज गॉट ए फॉल, हर एक चढ़ाई के बाद उतराई आती है। क्या बताया? एवरी स्टीप हैज गॉट ए फॉल। अच्छा, एवरी स्टीप चढ़ाई, स्टीप चढ़ना, उसके बाद गिरना ही होता है, गिरना ही होता है। तो बताया है ना, उत्थान पतन लाभ हानि, यही है जीवन का अंग। तो वैसे ही वो तो और अधिक दया का पात्र है कि वहां पर बने रहना उसके लिए तिकड़म बाजी। अब प्रधानमंत्री बन गया कोई तो फिर क्या है, वो तिकड़म बाजी समाप्त, पट्टा लिखा गया जीवन भर के लिए। नहीं, वो वहां जाता और तिकड़म बाजी, और ज्यादा बेचैन, और ज्यादा अशांति, कोई दूसरा ना पैदा हो जाए राजा। नहीं तो उस हिसाब से क्या करने पड़ेंगे, पंख नहीं काटने पड़ेंगे भाई। राजा हो सकता है भविष्य में, खतरा हो सकता है, तो क्या करना पड़ेगा, कैंची लेकर के भी काटने पड़ेंगे, ये चलता रहेगा। अब कितनों को काटना पड़ेगा, तो दुखी दुख है ना, सबसे भय रहता था राजाओं को, अपने संतान तक से भय रहता था। नहीं, ऐसे ही होते थे कि पिताजी को उठा करके जेल में डाल दिया और खुद क्या बन गए, ये स्थिति। तो संसारियों से हाँ बात चल रही थी, यहाँ तो कह रहे अखंड आनंद मद्वयम, मैं क्या हूं, निरंतर अखंड आनंद स्वरूप। लेकिन आपका निश्चय क्या रहता है, दुखी उदास हूं, निराश हूं, ये रहता है कि मैं तो अखंड आनंद में हूं, क्या निश्चय रहता है, हैं? अखंड आनंद स्वरूप आप। ये तो संसारियों का और संसार का राग करके आप क्या हो गए हैं, आप दुखी हो जाते हो, भयभीत हो जाते हो, देह आदि में राग करके क्या हो जाते हो, नाशवान हो जाते हो, अविनाशी होते हुए, अविनाशी होते हुए क्या हो जाते हो, नाशवान। जो नष्ट को है चाहता सो आप होता नष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके। अखंडानंद मद्वयम सत्यम ज्ञानम अनंतम यत, जो क्या है, सत्य है तीनों कालों में जो रहे, ज्ञानम जो क्या है, ज्ञान स्वरूप है, चिन्ह मात्र जड़न जड़ता जिसमें, अनंतम जो अंतरहित है, जो क्या है, अंत शून्य है। यत माने जो परम ब्रह्मा, वह जो परम ब्रह्म तत् तत् परम ब्रह्मा आमेव, वह परम ब्रह्म मैं ही, मैं नित्य शुद्ध नित्य मुक्त, नित्य मुक्त एक अखंड आनंद और अद्वय अद्वितीय सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् परम ब्रह्म, जो सत्य ज्ञान अनंत परम ब्रह्म है तत् ब्रह्मा अहमैव, वह परम ब्रह्म। क्या आए थे आप, क्या आए थे, संसारी जीव और क्या हो गए, क्या हो गए, ब्रह्म। क्या महाराज कहां ब्रह्म हुए, अभी भी हम तो आदमी के आदमी है, पुरुष जो है पुरुष है, स्त्री जो है वो स्त्री है, बूढ़ा जो है बूढ़ा, जवान जो है जवान है, ये शरीर है। आप क्या बन गए, क्या हो आप, परम ब्रह्म हो, अखंडानंद हो,
नित्य शुद्ध और नित्य मुक्त हो, ऐसा निश्चय करो और यही अनुभव करो और संपूर्ण नाम रूप दृश्य के साक्षी बने। ठीक है, इतना ही, समय ज्यादा हो गया। ओ